नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको व्रत व चिंतामणि रस की फायदों के बारे में जानकारी दूंगी कि उसका उपयोग किन किन रोगों में किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति लकवा से पीड़ित है, लकवा शरीर के किसी एक हिस्से में भी हो सकता है या पूरे शरीर में भी हो सकता है, किसी को चोट के कारण भी हो सकता है या किसी को बीमारी के कारण नसों के जो में जो ब्लड सप्लाई होती है वह कम होने के कारण मांसपेशियों के कार्य में भी बाधा उत्पन्न होने लगती है, तो उस समय में अगर आप व्रत व चिंतामणि रस का सेवन करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। उसके सेवन से आपको लकवे की बीमारी से राहत मिल सकती है। व्रत व चिंतामणि रस इस रोग में बहुत ही लाभ करता है। नींद न आना, हिस्टीरिया और मस्तिष्क की जो ज्ञानवाही नाड़ियों के दोष से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें व्रत व चिंतामणि रस जो है वो बहुत ही लाभकारी होता है। व्रत व चिंतामणि रस के उपयोग से वात और पित्त से होने वाली जो रोग हैं वह जड़ से नष्ट हो जाते हैं। व्रत व चिंतामणि रस हृदय और मस्तिष्क के लिए भी उत्तम बलकारक है। यह मस्तिष्क को बल प्रदान करता है और इससे आपकी याददाश्त भी सही रहती है। अगर किसी को बुखार होने पर जब उसको उपद्रव के रूप में जैसे प्रलाप, मोह, नाड़ी की सिमटना या हाथ पैर का कांपना, पसीना अधिक होकर शरीर का ठंडा पड़ जाना, अगर यह सब है तो ये सब लक्षण हैं तो उसे व्रत व चिंतामणि रस का सेवन करने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। पक्षाघात और धनुर्वात जैसे कठिन वात रोगों में भी अगर रसोन से पाक के साथ में व्रत व चिंतामणि रस का सेवन करने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। महारासना आदि क्वाथ के साथ में या दसमूल आदि क्वाथ के साथ में अगर व्रत व चिंतामणि रस का सेवन किया जाए तो वह सभी वात रोगों से आपको मुक्ति दिला सकती है। स्नायु की दुर्बलता हो या अस्थिगत वात हो या अपस्मार और अपतंत्रक रोग हो, इसमें व्रत व चिंतामणि रस का सेवन करने से रोगी को बहुत ही जल्द इन सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।